क्या बात है। अब ये शूज जो है ये है 38 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क डन बाय नाइक। पेगासस 38 इज द परफॉर्मेंस रिव्यू शूज ऑफ दिस वीडियो। बिफोर वी अनबॉक्स एंड परफॉर्मेंस रिव्यू दिस शूज, गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल में बेस्ट एफर्ट्स होता है कि मैं आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग दूं किसी भी शूज के बारे में। यो गाइस, लेट्स गेट इनटू दिस शूज। शूज की प्रोडक्ट डिटेलिंग से पहले मैं इसके बारे में थोड़े डिटेल्स देना चाहूंगा। बेसिकली पेगासस अभी से नहीं बट की 38 ईयर से नाइकी का एक बेस्ट परफॉर्मेंस शूज रहा है, सिंस नाइकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। इसका बनाने का मोटिव भी सेम था, आधा शूज में एयर और आधे शूज में जो था वो फोम यूज किया जा रहा था, जिससे कि ये आपको एयर जैसा लाइट वेट के साथ साथ परफॉर्मेंस शूज बन सके। अभी भी शूज में वही सेम बेस पे टेक्नोलॉजी डाली जा रही है, एयरपोर्ट्स के साथ भी यूज किया जा रहा है, जिससे आपको बहुत परफॉर्मेंस लाइटवेट भी मिलता रहे। इसी के बेस पे शूज का नाम भी इंस्पिरेशनली रखा गया है पेगासस। पेगासस जो है एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक मेथोलॉजी से नाइक वालों ने एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ यानी लिया हुआ है। इसका मतलब होता है अ हॉर्स विद अ फ्लाइंग विंग्स। सेम लॉजिक से अगर इस शूज को डिस्क्राइब किया जाए तो ये काफी फास्ट है लाइक अ हॉर्स, एंड इसको लाइटवेट बनाने की कोशिश की है विद द एयर टेक्नोलॉजी इन इट्स फोर फुट एयर रिलेटेड टू द विंग्स। सो नाइक की मेहनत कितनी जस्टिफाई हुई है वो इस शूज से हम पता लगाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस शूज। नाइक पेगासस का वेट 291 ग्राम्स का है और इसका हील ड्रॉप है 8.7 mm का, जिससे ये शूज एक बल्की शूज का लुक थोड़ा बहुत दे पाता है, बट एट द सेम टाइम आपको कुशनिंग भी काफी अच्छा मिलता है शूज में। शूज के अपर की बात करें तो अपर में दिया हुआ है सैंडविच मैश एंड साथ में थिक आई लूप्स दिए हुए हैं, जिसमें इजीली आप लेस को एडजस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एंड इनफैक्ट इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं, एंड दिस रियली रियली मेक अ गुड लेसिंग सेंस। इजीली आप ये शूज के लेसिंग को बांध सकते हैं एंड निकाल भी सकते हैं। मेरे पर्सनली एंड से मैंने ये शूज जब पहनकर टाई अप किए अपने लेसेस, देन दीस लूप्स वर रियली हेल्पिंग माय मिड फुट टू गेट सपोर्ट। आप इसको जब खींच के पहनते हैं तब रियली आपको फील होता है कि आपका मिड फुट लॉक हो रहा है। दीस लेस लूप दीस आई लूप्स आर जस्ट टू गुड। एंड ऑल्सो अगर इसके टंग की बात करूं तो टंग भी उसी तरह सैंडविच मेश का कुछ पार्ट है, जिससे आपको टंग से भी एयर वेंटिलेशन मिल सके। शूज में पूरा ट्राई किया हुआ है कि आपको एयर वेंटिलेशन मिले शूज में, बिकॉज बट ऑब्वियस दिस शूज इज प्योरली मेंट फॉर द डेली रनिंग एज वेल एज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ऑल्सो। अगर आपका वाइडर फिट है देन दिस शूज इज फॉर यू, बिकॉज इसका वाइडर जो अंदर का स्पेसिंग है वो काफी अच्छे से काम करता है। ऊपर से दिखने के साथ साथ अंदर से भी काफी आपको वाइडर फिट का स्पेसिंग दिया हुआ है, आपको थोड़ा भी अंदर किसी टाइप का इरिटेशन फील नहीं होगा। ऐसा टंग कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है शूज में जो आजकल हर फ्लैगशिप शूज में मिल रहा है आपको। इससे फायदा ये हो जाता है कि आपका जो मिड फुट लॉकडाउन है और एनहेंस हो जाता है यानी और बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम इसकी लेसिंग जो है वो एकदम फ्लैट दी हुई है, क्रिस क्रॉस लेसिंग पैटर्न जो है वो भी अपना एक अच्छा सा काम कर रही है। अब शूज के बैक साइड में आते हैं। शूज के बैक साइड में आपका हील काउंटर है, जहां पर आपको एक डीप हील कप टाइप का हील काउंटर दिया हुआ है। ये आपके हील बोन को अच्छे से हग करता है या हील को स्लिप होने से बचा रहा है काफी हद तक, मैंने रियलाइज किया है। नाइकी का स्वॉश बोल्ड लोगो दिया हुआ है लैटरल साइड में और उसी तरह मिडल साइड में हील काउंटर की तरफ भी स्वॉश लोगो का हाईलाइटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शूज मिडसोल। मिडसोल की बात करें तो शूज का मिडसोल बना है रिएक्ट फोम से। ये एक हाई रेवोल्यूशनरी परफॉर्मेंस फोम टेक्नोलॉजी है जो नाइक ने इंट्रोड्यूस की है, एंड इसके जूम एंड यूनिट्स जो है 4 फुट में दिए हुए हैं शूज के अंदर की तरफ। बार मत देखना, नहीं दिखेगा आपको। तो अंदर की तरफ जो एयर यूनिट्स है उसको जूम एयर यूनिट्स कहते हैं। बेसिकली इसके लिए शूज का नाम नाइक एयर जूम पेगासस 38 इसी पे रखा हुआ है। ये एयर जूम पॉड्स काफी रिस्पॉन्सिव कुशनिंग के साथ क्लोजर टू 50 फीट एक्सपीरियंस देता है, जिससे आपको फील होता है कि आप ग्राउंड से डायरेक्ट बाउंस अप कर रहे हो। यस इट रियली फील्स, बट ऐसा भी नहीं कि उछल के चांद में चले गए, ऐसा नहीं है। बट यस इट वर्क्स इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स। एंड यस आउटसोल को तो कैसे भूल सकते हैं, आउटसोल जो है इसी में तो पूरी पकड़ है शूज की। इसके आउटसोल में दिया हुआ है रबर जो काफी अच्छे से काम करता है, ग्रिप देता है। एंड यस देखकर ऐसा लगता है कि ये डेली वेयर के लिए, या भी ऑनेस्ट अगर आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छे से रिएक्ट करता है। I like the shoes.
शूज में जिस तरह आप ग्रूव्स और लंग्स देखते हैं नाइक के मोस्टली शूज में, मेरा लॉजिकली मैं सोचता हूँ कि ये शूज का वेट कम करने के लिए होता है। नाइक के मोस्ट ऑफ सभी शूज में आप देखोगे कि यहाँ पे काफी स्पेस खाली रह जाता है बीच में। टेक्निकली अगर देखा जाए तो उससे आपका जो ये रबर का जो डेंसिटी है या फिर क्वांटिटी है जो भी आप कहते हैं वो कम हो जाता है, जिससे जितना उसका जो वॉल्यूम कम होने से उतना वेट भी कम हो जाता है शूज का। तो मेरा सोचना यह है कि शायद नाइक इसके चक्कर में थोड़े ग्रूव्स कम डालता है शूज में, जिससे शूज लाइट वेट हो सके। बट एट द सेम टाइम नाइक आपको पेट भर के कुशनिंग देता है मिड सोल में, जैसे इसमें रिएक्ट फोम में दिया हुआ है। ये शूज में काफी अच्छा कुशनिंग है। शूज के और डिटेलिंग की बात करें तो शूज में यहाँ पर यानी मिडल साइड में मिड सोल के यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर टू द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लास रनर्स नाइक रनिंग। हाँ, ये लिखा हुआ है। सो इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल टैगलाइन जैसा कुछ दिया हुआ है, अच्छा है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द नाइक पेगासस 38। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ ओपिनियन देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट बॉक्स। आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं किसी भी शूज के रिगार्डिंग। प्लीज डू फॉलो मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, ये इसका लिंक है फेसबुक के पेज का मेरा, प्लीज उधर भी फॉलो कीजिए। एंड ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में भी मेरा ये पेज है, प्लीज डू फॉलो दिस पेज ऑल्सो। मेरे पर्सनल फीडबैक्स की बात करूँ ये शूज रिगार्डिंग, तो शूज आपका ऑल डे शूज भी रह सकता है फॉर डेली कॉलेज एंड लाइफ स्टाइल शूज ऑल्सो, बिकॉज कम्फर्ट के साथ लुक भी यस मिलता है इस शूज में। एंड अलॉन्ग विद दैट लॉन्ग रनर्स के लिए एंड फॉर जिम दिस शूज इज डेफिनेटली अवेयर। नाइक रिएक्ट फॉर्म के साथ जूम एयरपॉड्स है, एक सोने पे सुहागा जैसा। दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जब ये शूज में डाला गया है देन यू कैन रियली फील द पॉप अप ऑफ द शूज स्पेशली व्हाइल वॉकिंग एंड रनिंग। बिकॉज ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, बट कहीं पे शूज थोड़ा सा हैवी फील होता है बिकॉज 291 ग्राम्स इज नॉट अ लाइटवेट शूज। अभी कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें 190 ग्राम्स के भी शूज अवेलेबल है कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के पास। एंड सर, मैं अपर की बात करूँ तो दिस कुड हैव बीन मोर बेटर अगर इसमें इंजीनियर्ड मेश काइंड ऑफ कुछ ऐड किया जाता, बिकॉज अभी क्या है कि कंपटीशन ब्रांड्स इंजीनियर मेश है, सेलर मेश है, फौज मेश है, काफी काइंड के मेश लेके आए हैं। सैंडविच मेश के सामने सीम्स लाइक अ नॉर्मल मेश, बिकॉज काफी सारे कॉम्पिटिशन ब्रांड्स है जैसे नाइकी है, पुमा है, जो अपने बेसिक मॉडल में सैंडविच मेश यूज कर रहे हैं, और उस पर अगर ये शूज पे भी अगर आप सैंडविच मेश यूज कर रहे हैं देन दिस इज वॉट आई फील की सही नहीं लगता। शूज की MRP है 995, दैट इज अप्रोक्स 10,000। 10,000 के रेंज में ये चीज मिलना इज नॉट अ वाउ थिंग, बट यस अगर आप जानते हैं क्या है रनिंग और आप जानते हैं कि वॉट मीन्स बाय परफॉर्मेंस देन आप ये शूज डेफिनेटली बाय करेंगे। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस शूज इज अ रियली गुड शूज। एक चीज की बात अगर आप छोड़ दें वेट के अलावा, तो पैर पे आते ही तो भलभली चीज भी लाइट वेट लगती है। इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग मोड्स। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेयर द मास्क एंड बी सेफ।